आज मैं आपके लिए लाया हूँ टैली जीएसटी के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। मैं टैली में जीएसटी से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं और उनके क्या आंसर होंगे, ये मैं इसको लाया हूँ। तो आप वन बाय वन क्वेश्चन और आंसर को देखिएगा और इनको एक तरीके से रीड करिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। जब भी कभी आप कभी इंटरव्यू देंगे या आपसे कोई नॉलेज पूछता है जीएसटी की, तो आप उसको सही तरीके से उस नॉलेज को दे पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को आज स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्या है। तो जीएसटी क्या है, इसका आंसर रहेगा जीएसटी इज बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी मीन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी जो है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये आपका ये आंसर रहेगा। आपका दूसरे क्वेश्चन की ओर तो चलते हैं। इसमें हाउ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ जीएसटी, मगर जीएसटी कितने टाइप का होता है, ये आपका एक तरीके से कॉमन क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा ही जाता है। तो इसमें आपका आंसर इसका रहेगा, ये तीन टाइप का टैक्स होता है। पहला होता है आपका सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, दूसरा होता है एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, और तीसरा होता है आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। ये तीनों टैक्स होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आप एक ही स्टेट में या परचेज या सेल करते हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, अगर आप दूसरे स्टेट में सेल परचेज करते हैं तो आईजीएसटी लगेगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हेन विल जीएसटी बी इंट्रोड्यूस्ड, मतलब जीएसटी आपका कब आया था। तो इसका आपका आंसर है, इट इज लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाई 1 जुलाई 2017। ठीक है, ये मतलब 1 जुलाई 2017 को ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था, लॉन्च हुआ था। तो इसको आपको याद रखना है कि कब जीएसटी आपका लॉन्च हुआ था। और ये आपके और भी ये जो सवाल हैं, जरूरी नहीं है टैली के ही हैं, आप जीएसटी से रिलेटेड सभी के लिए ये हो सकते हैं, क्योंकि जीएसटी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट आर द टैक्स दैट गॉट रिप्लेस बाई जीएसटी, मगर जो हमारे जीएसटी के आने के बाद कौन कौन से टैक्स इससे रिप्लेस हो गए, मगर किसकी जगह जीएसटी ने ली है। तो इसका आपका आंसर रहता है, व्हेन देयर वर मल्टीपल टैक्स सच एज सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स एंड स्टेट बैट ईटीसी अंडर जीएसटी, देयर इज जस्ट वन टैक्स। मतलब कह सकते हैं हम, पहले हमारा टैक्स चलता था सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स और बैट, ये सारे टैक्सों को जोड़ के अब केवल एक टैक्स बचा है, वो है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसको आप समझ गए, इतने सारे टैक्स पहले आपके थे तो उसको सबको मिला के केवल जीएसटी अब एक चल रहा है टैक्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एचएसएन कोड इन जीएसटी, जीएसटी में एचएसएन कोड क्या होता है। एचएसएन कोड एक तरीके से एक इसका कोड होता है आपके प्रोडक्ट का, इसकी आपकी फुल फॉर्म होती है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमिक्लेचर। ठीक है, ये आपकी इसकी फुल फॉर्म है, और विच वाज डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO, इसने इसको डेवलप किया है, और इसकी आपके गुड्स की क्लासिफाइंग होती है, मतलब आपको इससे पता चलता है कौन सा प्रोडक्ट आपका किस कैटेगरी का है। ये आपका 6 डिजिट का कोड होता है, तो HSN कोड आपका 6 डिजिट का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज स्लैब रेट ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी का जो दर है वो क्या है, मतलब परसेंटेज की दर। तो परसेंटेज की दर जो जीएसटी काउंसिल ने फिट करी है 1300 गुड्स एंड 500 सर्विस पे, 4 टैक्स स्लैब हैं इसमें। एक तो कैटेगरी है आपकी 5% की, दूसरी कैटेगरी है 12% की, तीसरी है 18% की, और चौथी है 28% की। तो ये 4 कैटेगरी हैं, इसके अंडर सारे प्रोडक्ट और सर्विस आते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, और कोई कैटेगरी नहीं बनी है। तो ये आपके 4 स्लैब्स हैं इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। व्हाट इज आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी क्या है। इसका आपका आंसर रहेगा, जीएसटी ऑन सेल इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी, जब हम सेल करते हैं तो उसको हम आउटपुट जीएसटी कह सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज इनपुट जीएसटी, जीएसटी ऑन परचेज इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी, मतलब जीएसटी में अगर हम कोई जीएसटी के अंदर हमें परचेज करते हैं तो वो आपका इनपुट जीएसटी कहलाता है। अगले आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज जीएसटी आईएन नंबर,
ये आपका होता है जीएसटी नंबर। इस तरीके से आपका ये होता है, आपके 15 डिजिट का यूनिक कोड होता है विच इज विल बी असाइन टू ईच टैक्स पेयर। जो भी टैक्स देते हैं उनको ये असाइन होता है, ये आपकी 15 डिजिट का एक यूनिक कोड होता है। अगला आपका है हाउ डू आई इनेबल जीएसटी इन टैली। टैली में हम जीएसटी को कैसे इनेबल कर सकते हैं यानी कि ऑन कर सकते हैं, तो इसका आपका आंसर रहेगा, आपको सबसे पहले टैली में प्रेस F11 प्रेस करना है, फिर स्टेटी एंड टैक्सेंस में जाना है, फिर उसमें इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को यस करना है, और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल इसको यस करके सेव करेंगे और इस तरीके से हम उसको ऑन कर सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है हाउ कैन आई गेट जीएसटी रिपोर्ट इन टैली। टैली में हम जीएसटी की रिपोर्ट कहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका आपका आंसर रहता है, आपको सबसे पहले टैली गेटवे ऑफ टैली में जाना है, फिर डिस्प्ले में जाना है, और सिक्योरिटी रिपोर्ट्स में जाके जीएसटी के अंदर जाना है। ये आपको फॉलो करना पड़ेगा इतनी जगह, और फिर आपको जीएसटी में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है व्हाट इज जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल क्या है? जीएसटी पोर्टल है गवर्नमेंट जीएसटी वेबसाइट इनेबल टैक्स पेयर टू कंडक्ट वेरियस जीएसटी रिलेटेड प्रोसेस ऑनलाइन विदाउट पर्सनली विजिट द टैक्स ऑफिस। इसका मतलब हुआ जो आपकी गवर्नमेंट की जीएसटी की वेबसाइट है जीएसटी पोर्टल, और ये टैक्स जो पे करते हैं उन उनके लिए हैं, और इसमें सारी इसमें जानकारियां हैं, और इसमें ऐसी जानकारियां हैं कि आपको किसी भी टैक्स के ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है इनकम टैक्स के, और वहाँ ही सारी आपकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, तो ये ऑनलाइन आपकी सुविधा है। तो जीएसटी पोर्टल पे सारा हमारा जीएसटी का रिटर्न भरा जाता है। अगला आपका है व्हाट इज स्टेट कोड ऑफ जीएसटी। मत जीएसटी के अंतर्गत स्टेट कोड क्या है, जैसे सपोज करिए आपका यूपी का है तो यूपी का आपका 09 है इस तरीके से। अब मैं आपको जो लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ वो काफ़ी लंबी है, स्टेट वाइज है, वो देखिएगा आप ज़रूर। ये देखिए इसमें आपका ये दिखा रहा है जम्मू एंड कश्मीर, तो इसका स्टेट कोड 1 है, हिमाचल प्रदेश 2, पंजाब 3, चंडीगढ़ 4, उत्तराखंड 5, हरियाणा 6, राजस्थान का आपका रहेगा 8। तो इस तरीके से आपके स्टेट वाइज हैं ये सारे कोड, और जब आप जीएसटी नंबर लेते हैं तो आपने देखा होगा कहीं जीएसटी नंबर लिखा था उसके आगे कोड लिखा होता है, जैसे 09 तो आप समझ लेगा यूपी का है, 07 लिखा हुआ है तो वो दिल्ली का है। इस तरीके से अगली लिस्ट की ओर जाते हैं, ये आपकी ये भी है, जैसे एमपी का 23 है, और अभी जो लेटेस्ट ऐड हुआ है जीएसटी में वो है लद्दाख का, ये न्यू अपडेट आया है आपका, तो इसका 38 है। तो इतने तरीके के आपके होते हैं जीएसटी के स्टेट कोड, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ इसका रिप्लाई करिएगा, कमेंट करिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ तो मेरे वीडियो पर बनी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।